या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपकी होस्ट रफत और नवरात्रि का ये पावन अवसर ऐसे मौके पर बनता है कि इस बदले हुए समय में हम आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आएं, और इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। जी हाँ, ये मौका है नवरात्रि का। और आपको मैं बता दूं कि इस वक्त मैं कहाँ खड़ी हूँ। जी हाँ, लखनऊ में स्थित एक बहुत ही विशाल, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर माँ चंद्रिका देवी मंदिर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और बीच बीच में आज के इस शो में हम आप तक यहाँ की सारी झलकियाँ, यहाँ के कोने कोने को आप तक पहुँचाएंगे, ताकि आप दर्शन कर लें घर बैठे माँ चंद्रिका देवी मंदिर का। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं माता के भजन के साथ, और डांडिया का माहौल है तो ये माहौल बनता है। ले चलते हैं आपको स्टूडियो जहाँ पर बॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर सिंगर राहुल बी सेठ मौजूद हैं, जो डांडिया का माहौल बना रहे हैं, और फिर लौट कर आते हैं आपके बीच इस माइक के साथ। चलो अरे पल भर में सारी सुध बुध खोके, सब मिलके नाचो आओ खुश होके, तन मन को झूम के थिरकने दो, धड़कन की ताल पे मगन होके, पल भर में सारी खुश खुश खोके, सब मिलके नाचो गाओ खुश होके, तन मन को झूम के थिरकने दो, धड़कन की ताल पे मगन होके। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, खुल के कर लो आज मस्ती का इजहार, मौका है ये हंसी छेड़ो बात नहीं, दिल क्या बोले उसे सुनो मेरे यार। हे चालो रे चालो रे चालो मारी साथे, करवानी रात रास रमवा माटे, चालो रे चालो मारी साथे, करवानी रात रास रमवा माटे, और चालो रे चालो रे चालो मारी साथे, गरबानी रात रास रमवा माटे, चालो रे चालो मारी साथे, गरबानी रात रास रमवा माटे, हे चालो रे चालो मारी साथे, गरबानी रात रास रमवा माटे। चाल से पर तू नहीं तो तारो फोटो पण चाल से, तू नहीं तो तारो फोटो पण चाल से, तू नहीं तो तारो फोटो पण चाल से, जो तारो फोटो नदी नदी नदी, जो तारो फोटो नदी तो फोटो कॉपी पण चाल से, तारो फोटो नदी 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 तो फोटो कॉपी पण चाल से। चालो देखो अरे देखो, कहीं ऐसा ना हो जाए चोरी करे माखन तेरा जिया भी चुराए, देखो अरे देखो, कहीं ऐसा ना हो जाए चोरी करे माखन तेरा जिया भी चुराए, अरे मच गया शोर सारी नगरी रे, आया बेरज का माका संभाल तेरी रे, ओ आया पे रज का बांका संभाल तेरी गगरी रे,
अरे मच गया शोर सारी नगरी रे, ओ सारी नगरी रे। आया बिरज का बांका संभाल तेरी गगरी रे, ओ आया बिरज का बांका संभाल तेरी गगरी रे। चालो रे चालो रे चालो मारी साथे गरबानी रात रास रमवा माटे, चालो रे चालो रे चालो मारी साथे गरबानी रात रास रमवा माटे, गरबानी रात रास रमवा माटे, गरबानी रात रास रमवा माटे। हम मंदिर के प्रांगण में जा खड़े हैं, ये विश्व प्रसिद्ध क्यों है, क्या है इसकी महत्वता, लोग क्यों दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं, तो आइए बात करते हैं मंदिर के महंत जी से। सर बहुत सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। मेरा नाम विराट सैनी है, मैं यहाँ मंदिर चंद्रिका देवी मंदिर में पुजारी हूँ। यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से भक्तगण आते रहते हैं। यहाँ नौ दुर्गाओं का मंदिर है, जो कि विश्व में कहीं भी नौ दुर्गाओं का मंदिर नहीं है। माता रानी पिंडी रूप में यहाँ पे विराजमान है। तो स्टूडियो से बाहर निकलकर लोगों से बात करने का वक्त है, और चलिए अब लोग यहाँ पर कुछ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधना सरन है। साधना जी, किस चीज़ की साधना ज़्यादा पसंद करती हैं? माता रानी की। अच्छा अच्छा, माता रानी की तो साधना बनती है। और अगर मैं ऐसे मौके पर कहूँ कि कुछ सुना दें, सामने कैमरा है। जरा फूल सजा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली है। जरा फूल सजा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली। बाहर निकलकर अब जरा लोगों से बातचीत करते हैं, सवाल पेचीदा लेकर आते हैं, और कोई है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? धर्मेश। तो धर्मेश जी, क्या करते हैं आप? यही बिजनेस करते हैं। बिजनेसमैन है, लेकिन बड़ा मतलब कभी कभी होता होगा कि मूड थोड़ा सा फ्रेश किया जाए, कुछ एंटरटेनमेंट किया जाए, है ना? तो चलिए आपको हम मौका दे रहे हैं काम के बीच में, ठीक है? एक सवाल है, पहली एक तरीके की, उसको बूझिएगा। तो वो कौन सा पक्षी है जिसके सर पर पैर हैं? क्या आपको पता है? गेस कीजिए, शो के एंड में इसका जवाब जरूर मिल जाएगा। स्टे कनेक्टेड। देखते हैं कि इस माइक के सामने कौन है जो तैयार है बिल्कुल अपने कुछ सुरों के साथ। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र शर्मा नाम है। धर्मेंद्र जी, क्या सुनाने वाले हैं आप? माँ चंद्रिके का द्वार तीनों लोक से भी न्यारा है, हम भक्तों का सहारा है। माँ चंद्रिके का द्वार तीनों लोक से भी न्यारा है, माँ चंद्रिके का द्वार। धरती गगन झूमे तेरे चरण चूमे, मगन मन डोलते, सब पाप कट जाते, सब दुख मिट जाते, तेरी जय बोलते। हो मैया तेरे चरणों में यह भक्त पड़ा बेचारा है, हम भक्तों का सहारा है। माँ चंद्रिके का द्वार, माँ चंद्रिके का द्वार तीनों लोक से भी न्यारा है, हम भक्तों का सहारा है, माँ चंद्रिके का द्वार। क्या बात है, पिताजी की लिखी पंक्तियां और आवाज पुत्र के द्वारा अगर दी गई हो तो फिर ये नवरात्रि कितनी शुभ मंगलमय हो सकती है। और इसको आपने एंजॉय किया इस खास कार्यक्रम में, लेकिन एंजॉयमेंट अभी बरकरार है, चलते हैं स्टूडियो की ओर। तेरी हरे बुराई पे डांटे वो दो, गम की हो दूर तो साया बने तेरा वो दो, नाचे भी जो तेरी खुशी में, यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, यारों
राजदा बेगरज तेरा हो या कोई तो हो राजदा अरे यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है कोई तो हो राजदा बेगरज तेरा हो या कोई तो हो राजदा तेरी हर बुराई पे डांटे वो दो गम की हो धूप जो साया बने तेरा वो दो नाचे भी जो तेरी खुशी में तुझसे हो प्यार कोई तो दिल पर हो यार अरे यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है कोई तो हो राजदा कर तेरा हो या कोई तो हो राजदा अरे यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है। देखिए नवरात्रि के पावन अवसर पर हर कोई मन्नत जरूर मांगता है माता से, तो कोई और भी हैं जो यहाँ पर मुझे लग रहा है मन्नत मांगने को बिल्कुल तैयार हैं? कुछ मन्नत मांगी जा रही है, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम ज्योति सिंह चौहान है। तो कोई मन्नत मांग रही थी आप? जी आज मेरे बेटे का जन्मदिन है इसी वजह से हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। तो ये बताइए कि अभी नवरात्रि का माहौल है और आप मन्नत भी मांगने आई है, कुछ मन में ऐसा है जो गुनगुनाना चाहेंगी इस मौके पर? लेखी पूजा की थाली ज्योति मन की जगाली तेरी आरती उतारू भोली माँ तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारू भोली माँ ओ है। इनकी पुकार सीधे माता रानी तक पहुंच गई है और हम आपसे भी कहेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना है उसे जरूर मांगिए, जरूर पूरी हो सकती है माता रानी की कृपा से। अभी एक बाल कलाकार और इसे छोटा बच्चा मत समझिएगा, बहुत ही टैलेंटेड, क्या नाम है? दीपक। ऐसे ही बस प्रज्वलित रहो, चमकते रहो जैसे अभी चमक रहे हो, एकदम शानदार। तो क्या करने वाले हो? ढोलक बजा के गाना। अच्छा दोनों, क्या बात है, तो बस शुरू हो जाओ। अरे तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए ले आया
बढ़िया, क्या बात है भाई, जैसा नाम है वैसे ही जगमग है, और हम बस यही एक उम्मीद करेंगे कि अपने नाम के साथ दुनिया भर में रोशन करते रहे अपने हुनर के साथ। ये बड़ी खूबसूरत कन्याओं से मुलाकात हो रही है नवरात्रि में, क्या हालचाल, क्या नाम? मधु राठौर। अंजलि राठौर। ओके, तो एक छोटा सा सवाल है मेरा, थोड़ा सोच के बताना इसका जवाब आ रहा है तो भी ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है। तो सवाल ये है कि वो कौन से पक्षी है जिसके सर पर पैर होते हैं? नहीं नहीं नहीं, आपको जवाब आता होगा मुझे पूरा यकीन है। वेल, जवाब अपने पास रखिए, असली जवाब जो होगा शो के एंड में आप तक पहुंच जाएगा। और देखिए, नवरात्रि में असली महत्व तो कन्याओं का होता है, और ये समझ में आ जाता है जब हमें कन्या के लिए लड़कियां ढूंढनी होती है तो ओहो बड़ी इनकी डिमांड होती है। वेल, बहुत ही प्यारी कन्याएं हमारे साथ हैं इस वक्त। हेलो। हाय। तो आप लोग कन्याएं बड़ी प्यारी प्यारी हो और मंदिर में दर्शन करने के लिए भी आई हो, तो कुछ गाना सुनाओगी? तो देखिए, बच्चों में ही अगर हम बचपन से संस्कार भरना शुरू कर दें तो फिर क्या बात है, और ये देखा आपने अभी स्क्रीन पर। चलिए शो में आगे बढ़ते हैं और स्टूडियो की ओर चलते हैं, वहाँ के कलाकार भी इंतजार कर रहे हैं, कुछ और रंगारंग होने वाला है, फिर लौट कर आते हैं आपके बीच। और देखिए, इस शो के माध्यम से लोगों के मन के विचार भी हम आप तक पहुँचाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भाव होते हैं जो मन के अंदर होते हैं, लोग चाहते हैं कि दुनिया उनके जो मन के भाव है वो सुने। और कोई है मेरे साथ, क्या नाम है? प्रियंका वाजपेयी। तो प्रियंका, मन में कुछ ऐसे विचार हैं जिन्हें आप चाहती हैं कि कैमरे पर सबके सामने पहुँचाएँ? एजुकेशन इज अ चेंज इन एवरीवन, अ गुड टीचर चेंज इन एवरीथिंग। जो शिक्षा है वो बच्चों को तो सुधारती है, साथ में टीचर जो हैं वो सब लोगों को शिक्षित होने के लिए प्रेरणा भी देते हैं। थैंक यू। क्या बात है, और बच्चे ने देखिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला जो नारा है ना, इसको बिल्कुल सपोर्ट किया हुआ है, और हमें भी ऐसी बेटियों को ज़रूर पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, और मन में जो कुछ उनके है ना, उनके भावों को ज़रूर सामने लाना चाहिए। देखिए फिर क्या चेंज ये लेकर आती है, और उसके लिए ज़रूरी है एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन इज़ द की फॉर सक्सेस। चलिए स्टूडियो की ओर चलते हैं, एन्जॉयमेंट जारी रखते हैं। Hey, everybody wanna dance away, everybody wanna groove and sway, everybody wanna show the way to boogie the night away. Hey, everybody wanna dance away, hey, everybody wanna groove and sway, hey, everybody wanna show the way to boogie the night away. Hey, jis gali ke tum, us gali ke hum, par ye majbooriyan ya, tum yahi kahin, हम यही कहीं, फिर क्यों ये दूरियां, यहाँ पर बाहरे दुनिया, दुनिया तेरे जलवे है निराले, परम पम जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे उसी को नजर, तू वही है जिसको ढूंढे कब से मेरी दो निगाहें, चलते चलते मिल जाएंगी तेरे मेरे दिल की राहें, और इतने बड़े इस जहां में बसाएंगे हम अपना छोटा सा घर, लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल, लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल, अरे कहीं तो प्यारे किसी किनारे मिल जाओ तुम अंधेरे उजाले, परम पम लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं।
मंजिल मंजिल फिरते हैं मंजिल मंजिल. Everybody wanna dance away, everybody wanna groove its way, everybody wanna show the way to groove it the night away. Everybody wanna dance away, everybody wanna romp its way, everybody wanna show the way to boogie the night away. और स्टूडियो से बाहर निकले हैं तो वक्त है कि मैं कुछ पेचीदा सा सवाल, नहीं अभी सवाल नहीं, अभी हम कुछ टास्क देने वाले हैं. चलिए कोई है, पहले उनका नाम जान लेते हैं. क्या नाम है आपका? विनीत वाजपेयी. तो विनीत जी बहुत एकदम रंगारंग लग रहे हैं, मजा आ रहा है देख के आपको. अच्छा ये बताइए, एक डायलॉग मन में आ रहा है मेरे, उसको आपको ना अपनी भाषा में ट्रांसलेट करना होगा. ठीक है, तैयार है? तैयार. चलिए आप भी तैयार रहिए. तो डायलॉग है अमिताभ बच्चन जी का बहुत ही मशहूर की, जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो. जब तक बैठे के न कहा जा शराफत खड़े रहो. आए हाय 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 हाय, ये शराफत जो थी बड़ी लठमार शराफत थी. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. और देखिए ऐसे पावन अवसर पर लोग अपने परिवार सहित माता के दर्शन करने को निकलते हैं और पूरे उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ते हैं और हम भी आगे बढ़ते हैं. कुछ लोग हमें मिले हैं. क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र पांडे. क्या बात है, पूरे परिवार के साथ आते हैं? पूरे परिवार के साथ हम आए हैं यहाँ पे माता जी का दर्शन. दर्शन हो गया? चलिए मनोकामना पूरी हो जाएगी आपकी. अब कुछ जी कुछ सुनाना चाहेंगे कैमरे पर? ओ अंबे जय दुर्गे का तेरे ही गुण गावे भारतीय मैया, हम सब उतारे तेरी आरती. अंबे बात है. जय माता दी, जय माता दी. और आप सबकी भी मनोकामनाएं पूरी होती रहें. एंजॉय करिए ये शो. और देखिए मेरा मन कर रहा है कि मैं पहेली को कुछ और लोगों से भी पूछूं, देखती हूँ कि लोग कहाँ तक पहुँच पाते हैं. क्या नाम है आपका? आकाश रावत. तो वो कौन सी पक्षी है जिसके सर पर पैर है? नहीं? क्या आपको जवाब मिला? आप पहुंच पाए? नहीं पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, शो के एंड तक बने रहिए, आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा. और देखिए माता रानी का दरबार सजा हुआ है और भक्तों की कतार लगी हुई है और भक्त पूरे एकदम मूड में है कि माता रानी के दर्शन भी करना है और भक्तिमय होना है. और कोई है हमारे साथ ऐसी भक्त? क्या नाम है आपका? कमला देवी. क्या बात है, एकदम सज धज के तैयार हाँ दर्शन के लिए जी. अच्छा तो कैसे याद कर रही है माता रानी को? चलिए थोड़ा डायलॉग बाजी खेला जाए. क्या नाम है आपका? बलिंदर राउत. कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के रहने वाले. अरे वाह क्या बात है बाबू. तो एक काम करो, एक डायलॉग बता रहे हो उसको जरा भोजपुरी में ट्रांसलेट कर दो. तो डायलॉग ये है कि आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता. आज हम फेकल पैसा ना उठाई ले. तो हरियाली के बीच में हरा भरा मूड कर देते हैं हम अपने इस शो में जब भी आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ते हैं. वेल हम किसी से जुड़ने जा रहे हैं. क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद कासिफ अंसारी. जी तो कुछ सुनाना चाहते हैं आप? मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जल मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी. जी तो इनकी परफॉर्मेंस के बाद अब हम चलते हैं सीधा स्टूडियो की ओर और बाद में कुछ सवाल भी बाकी हैं उनको भी लेकर आएंगे. कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है? हाँ कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है?
जो बोलो तो जानो गुरु तुमको मानो चलो ये भी वादा है। हाँ कह दूं तुम्हें क्या चुप रहूं दिल में मेरे आज क्या है। जो बोलो तो जानो गुरु तुमको मानो चलो ये भी वादा है। Feel it in your eyes, hey, I can see that you're my blind. Won't you show me your feeling? Why do you leave me dreaming, dreaming about me? I can take your breath away, I can take your life away. Show me the way to love, I'm gonna take you all right. I'm gonna take you away, I'm gonna take you away. I'm gonna take you up above so high. एक से बढ़कर एक रंग आप एंजॉय कर रहे हैं और अभी स्टूडियो के आर्टिस्ट स्टूडियो के कलाकार आप तक पहुंचे थे। ये रंग भी बहुत अच्छा था और अभी अगला रंग भी और अच्छा होने वाला है क्योंकि हमारे साथ कोई है, ये माइक उनको थमाने वाली हूं मैं। क्या नाम है आपका? अवनीश चौहान। अवनीश चौहान साहब। यस मैम। जी तो क्या कहना चाहेंगे, सामने कैमरा है। लगता था जिंदगी को बदलने में एक वक्त लगेगा, लगता था जिंदगी को बदलने में एक वक्त लगेगा, पर क्या पता बदलता हुआ वक्त जिंदगी बदल देगा। क्या बात है, और आपको पता ही नहीं था कि ये वक्त अभी बदल जाएगा। जी हाँ, और ऐसे ही वक्त बदलता है ओपन माइक विद म्यूजिक शो में रैंडमली जब हम लोगों के पास पहुँचते हैं। कुछ लोग यहाँ गाना गुनगुना रहे हैं, चलिए जरा पूछते हैं कि क्या चल रहा है। नमस्कार। 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 क्या नाम है? सुशीला। तो बड़ा बेहतरीन आप कुछ गुनगुना रही थी। क्या है ये? तो चलिए सामने कैमरा है, एक बार शुरू हो जाइए। नींदिया के डार मैया झूला, नींदिया पे झूला झूले मैया हमारो झूला, नींदिया पे झूला झूले मैया हमारो झूला, नींदिया पे झूला झूले। क्या बात है, बहुत सुरीला गाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए ऐसे सुरीले लोग मिल जाते हैं राह चलते, जब दिल की बात होती है ना तो सीधे दिल तक पहुंचती है। हमारे साथ आपका नाम? पुनीता दुबे। तो पुनीता जी, आपने भी थोड़ी देर पहले मुझसे कहा था कि आप गाना गाते हैं, शौक है, तो कुछ शौक पूरी कीजिए आज। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरा साहिल आप है, क्यों डरूं मैं उस तूफान से, मेरा मंजिल आप है, हंस के अपनी जिंदगी
यू। और ऐसे ही प्यार देते रहिए, आपकी मंजिल आपको जरूर मिल जाएगी DDUP पर। और गुनगुनाते गुनगुनाते बातें करते करते मैं देखिए कहीं और भी आ चुकी हूँ जी। अपने नाम बताए। शिवम विश्वकर्मा। तो शिवम जी, कुछ आप गुनगुना रहे थे। तेरे नाम पे जी लूं, तेरे नाम पे मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। मतलब मज़ा आ गया, ऐसा लगा खुद कैलाश खेर को हम सुन रहे हैं। तो कब से सीख रहे हैं गाना? गाना तो मैंने सीखा था 2016 में। हाँ। डिप्लोमा किया हुआ था। अच्छा। उसके बाद से मैंने बहुत सारे शो भी किए। ओके। अभी फाइनली वर्किंग हूँ RBI में। ओके। और आज आपने ओपन माइक में हिस्सा लिया, बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आपके बीच आएंगे और अगर आपके अंदर भी वो टैलेंट है तो हो सकता है कि आपको हम स्टूडियो लेकर आए। स्टे ट्यून्ड। हाय रे हाय तेरा घुंघटा, हाय रे हाय तेरा घुंघटा, चांद घटा से निकले, चांद घटा से निकले, कोई उठाए तेरा घुंघटा, हाय रे हाय तेरा घुंघटा, चांद घटा से निकले, चांद घटा से निकले, कोई उठाए तेरा घुंघटा, हाय रे हाय तेरा घुंघटा। घुंघटा चांद घटा से निकले, चांद घटा से निकले, जो तू उठाए तेरा घुंघटा, हाय रे हाय तेरा घुंघटा, हाय रे हाय तेरा घुंघटा, हाय रे हाय तेरा घुंघटा। और जनाब, आज की पहेली का जवाब अभी तक नहीं मिला है, चलिए एक लास्ट कोशिश और कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल बाजपेयी। अनिल बाजपेयी जी, एक पहेली है। अक्सर जिंदगी में बहुत सारी पहेलियाँ आती रहती हैं जिनको आप सुलझा लेते होंगे, लेकिन ये पहेली सुलझा लीजिए तो मान जाए। पहेली ये है कि वो कौन सी पक्षी है जिसके सर पर पैर होते हैं? तोता है और गोरिल्ला है। अच्छा, कैसे बताइए, कैसे कैसे पक्षी चलता हो, उड़ता है सर, वो सांस मार। हमने कहा सर पर पैर होते हैं। सर पर पैर किसी के नहीं। नहीं, हमारे सवाल तो यही है, वो कौन सा पक्षी जिसके सर पर पैर होते हैं? सर पर पैर किसी के नहीं। जवाब बस आपने दे दिया था, लेकिन फिर उसके बाद आप नहीं समझ पाए। कोई बात नहीं, थोड़ा सा नजदीक ये पहुंच गए थे और आपने तो गेस कर लिया होगा, आप बहुत मायरे में जानती हो। जनाब, हर पक्षी के सर पर पैर होते हैं, क्योंकि सर मतलब सर, पर मतलब पंख, और पैर तो होते ही है। गेस किया था ना, यही राइट जवाब। मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी प्यारे, नजर लग जाएगी तेरी सूरतिया पे मन मोराट का, प्यारा लगे तोरा पीला पटका, तेरी सूरतिया पे मन मोराट का, प्यारा लगे तोरा पीला पटका, तेरी टेढ़ी मेढ़ी
चाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी प्यारे, नजर लग जाएगी। भाई इस माइक के साथ बाहर तो आनंद ही आनंद है, लेकिन बार बार मेरी नजर ना स्टूडियो में जा रही है। मैं स्क्रीन पर देख पा रही हूँ कि क्या माहौल बनाया है बॉलीवुड सिंगर म्यूजिक कंपोजर राहुल बी सेठ ने। अब मेरा मन हो रहा है ना सीधे स्टूडियो जाकर उनसे रैंडम मुलाकात कर लो, कैसा रहेगा, मजा आएगा ना। तो ड्रेस चेंज करके पहुंचती हूँ मैं स्टूडियो। बाहर क्या माहौल बना हुआ है, टीवी स्क्रीन पर बिल्कुल झमाझम, क्या गाने गाए जा रहे हैं। आई मीन तो स्टूडियो में आना बनता है ना। हाय सो हाय 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 हाय, क्या बात है। मैंने आपको ना बाहर टीवी पर देखा गाते हुए, मैंने खुद को रोक नहीं पाई तो मैं सीधे स्टूडियो में चली आई, इसलिए मुझे रोक दिया। एग्जैक्टली, अमेजिंग। सो लेकिन मैंने ना आपके बारे में सुना हुआ है कि आप कुछ आवाजें वगैरह भी निकालते हैं। उनकी हिंदी डबिंग वगैरह भी करता हूँ। तो कुछ हो जाए कुछ हो जाए। तो जैसे अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी वार्नर ब्रदर्स की फिल्म आई थी बैटमैन, उसमें पेंगुइन का कैरेक्टर था। वाओ, संभाल के जैसा सोचा था एकदम वैसी ही हो जंगली बिल्ली, something like that. Okay, वैसे और भी बहुत सारी आवाजें होंगी। बहुत सी आवाजें हैं मेरी, जैसे विल स्मिथ की वॉइस हूँ मैं। Okay. और I'm the voice of Aaron Eckhart. ये क्रिस्टोफर नोलन की जो डार्क नाइट थी। Yes, yes. इसमें हार्वी डेंट, हार्वी टू फेस। एक डायलॉग हो जाए आपका फेमस कोई अगर याद हो, या कुछ एक्सेंट वैसा हो जाए कोई। या विल स्मिथ का अगर कोई डायलॉग याद हो। तुम वो और इथन और वो हजार करोड़ से ज्यादा लोग जो आज something like that it was wo sab mar chuke hain, they're all dead. Superb, superb, superb. Thank you so much is chote se piece ko perform karne ke liye. Enjoy karti rahi zabardast show. Open mic with music. Mere dholna sun, mere pyar ki dhun, mere dholna sun, mere chahte जो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी, हो के फना। दान देने दान देने देने ना मेरे ढोलना, नवरात्रि स्पेशल एपिसोड आज बस यहीं तक, निकलने का वक्त है। और निकलते निकलते बस एक यही आशा उम्मीद कि जो भक्ति आराधना आप इस नवरात्रि कर रहे हैं वो सब कुछ माता रानी स्वीकार करें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। बस प्यार देते रहिए, नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाओं के साथ इस शो को देखते रहिए जिसे आप कहते हैं ओपन माइक विद म्यूजिक। मैं हूँ आपकी होस्ट, अब चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। La 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 la. Hey, meri soni, meri tamanna, jhoot nahi hai mera pyar. Diwan se ho gayi galti, jaane do yaar. Hey, meri soni, meri tamanna. झूठ नहीं है मेरा प्यार, दीवाने से हो गई गलती जा।